देखो उतना अच्छा भी नहीं है एवरेज और उतना बुरा भी नहीं है। अब मुझे पावर चाहिए लगाया सेकंड, अब यही है यहाँ पर देखिए नीचे जगह नहीं है बिल्कुल भी, बोनट से काफी हेल्प मिलती है। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था ना, आज मैं एक ऐसी गाड़ी इन पहाड़ों पे लेके आया हूँ जो आपको अच्छी तो लगेगी, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी को अंदर से देखेगा वो सबसे पहले आपसे कीमत पूछेगा। अब जब आप उसको कीमत बताओगे वो चौंक जाएगा, वो बोलेगा हैं इतने कम प्राइस में इतनी प्रीमियम गाड़ी, और गाड़ी देख लो भाई कौन सी है, होंडा की एलिवेट। आपने हमारा इस गाड़ी के साथ जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो देख लिया था, तब इस गाड़ी की जो कीमतें हैं वो आई नहीं थी, लेकिन जो कीमतें आई हैं हम उनसे काफ़ी खुश हैं। अब आगे की कहानी वहीं से शुरू करते हैं। हमने इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप करने का प्लान बनाया। लॉन्ग ट्रिप में होता क्या है, प्रैक्टिकलिटी पता चलती है, कैपेबिलिटी पता चलती है, और साथ के साथ एक्चुअल माइलेज पता चल जाता है। हमने टैंक टू टैंक माइलेज मेजर करा है इसका, हाईवे पे भी और इन पहाड़ों पे भी। हमने जो अपनी ट्रिप है वो रात के समय पे स्टार्ट करी थी, रात में इसका हेडलाइट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और मैक्सिमम हमने रात में ही इसको हाईवे पे चलाया। हाईवे में चलाने में काफ़ी आसान है, हर चीज़ का प्रॉपर बैलेंस दिया हुआ है, चाहे इसकी राइड क्वालिटी क्यों ना हो, चाहे इसकी स्टेबिलिटी क्यों ना हो, चाहे स्टीयरिंग फीडबैक क्यों ना हो, आपको इस गाड़ी को हाईवे में चलाने में एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि काफ़ी शांत तरीके से चलती है और काफ़ी आरामदायक लगती है आपको, और एर्गोनॉमिक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी गाड़ी को आप हाईवे पे चलाते हैं, रोड में चलाते हैं, आपको वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर रही होती है ना, तो आप उस गाड़ी से सेटिस्फाई रहते हैं। सेटिस्फेक्शन आपका नेक्स्ट लेवल का पहुंच जाता है जब आप इस गाड़ी को चलाते चलाते इसकी जो प्रीमियमनेस है और इसकी जो सोफिस्टिकेशन है उसको फील करते हैं। तो गाड़ी के डिजाइन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से करी है, लेकिन एक बात तो सही है, गाड़ी काफी बड़ी दिखती है। जो घर पे बड़ी गाड़ी रखने का फील होता है ना वो ये गाड़ी आपको प्रॉपर देगी। अब बात करते हैं इंजन की। जो इसका इंजन है ना वो हाईवे में आपकी सारी मंशा को पूरी करता है। आपको पावर की जरूरत है तो ये आपको निराश नहीं करेगा। आपको गाड़ी प्यार से चलानी है, स्मूथ तरीके से चलानी है, शांत स्वभाव से आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको पूरा सपोर्ट भी करता है। इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं, 6 गियर में हाईवे बड़े शांत तरीके से चलती है और बार बार आपको गियर को डाउनशिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। 50-55 की स्पीड से भी 6ठे गियर में ये आराम से उठ जाती है, आपको 6ठे से 5वें लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको जल्दीबाजी ना हो तो। देखो पहाड़ में ड्राइव करना मुझे काफी अच्छा लगता है और मौसम को फील करते हुए मैं विंडो को रोल डाउन करके चलाता हूँ। कल की स्टोरी बताता हूँ, आगे ट्रक चल रहा था, चढ़ाई थी, लोडेड था ट्रक, बहुत धुआं छोड़ रहा था, गाड़ी के अंदर डीजल की धुएं की पूरी बदबू फैल गई। फिर मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, आ जाओ। हमारे पास इन्वॉल्व 1 का मोहितो लेमन पड़ा हुआ था, हमने इसको गाड़ी के अंदर खोल दिया, फिर जो फ्रेग्रेंस आई है भाई ऐसा लगने लगा हमें कि हम किसी बीच में जाकर कूल ड्रिंक पी रहे हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर की जितनी स्मेल थी ना वो सारी खत्म कर दी इसने, और ये काफी इजी टू यूज है, स्पिल फ्री है, इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं और कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसमें एक 3M का टेप भी आता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं। तो देखो हाईवे में और शहर के छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर में तो सभी गाड़ी चलाते हैं, हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट टेरेन में लेकर चलते हैं, हम इन पहाड़ों में लेकर आए और यहाँ पर इस गाड़ी में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। आगे रास्ता काफी खराब है और ये काठगोदाम से हेड़ा खान वाला रास्ता है जिसमें चढ़ाई काफी स्टीप है, और गाड़ी में हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, एक में और पीछे 3, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं। गाड़ी में पीछे लोड है तो हल्की सी ऊपर को मेरे को उठी हुई महसूस हो रही है। अब देखिए यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और रास्ता काफी पतला है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को इस गाड़ी का पता है क्या लगा, इसकी विजिबिलिटी, और जो इसका बोनट दिखता है ना उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से आप ऑब्जेक्ट से कितनी दूर हैं, क्या आपका जजमेंट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये काफ़ी आसान बना देती है गाड़ी। पीछे साइड के ORVM IRVM इससे कोई शिकायत नहीं है, स्पेशली हिल्स में। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आती है जिसको आप
प्लेन्स में तो आसानी से चला सकते हो, लेकिन हिल्स में ए पिलर काफ़ी मोटे होते हैं, लेकिन इसमें ये कोई समस्या है नहीं, क्योंकि आगे जो विंडशील्ड दिख रही है ना वो काफ़ी चौड़ी भी है। अब देखिए राइड क्वालिटी भी मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। अब आई चढ़ाई काफ़ी स्टीप, ये थर्ड गियर में है। मैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लेकर आया हूँ, 1 लीटर वाली भी और 1.2 लीटर वाले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन मुझे इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हेजिटेट कर रहा है, बड़े प्यार से चढ़ रहा है। अभी 30 की स्पीड के आसपास है, हम चढ़ाई है स्टीप और तीसरा गियर है, ये इस इंजन की खास बात है, ये ट्रैक्टेबल बहुत है। अब देखिए एकदम हेयर पिन बैंड है, थर्ड गियर है और आसानी से ये चढ़ गई। थोड़ा सा जोर लगा, अभी भी लग रहा है। एक तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ये है कि गाड़ियाँ अचानक से आ जाती हैं और रास्ता काफ़ी पतला है, कई बार ऐसा होता है कि आपको जगह नहीं मिलती है। इंजन की आवाज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, और जब इंजन हाई लोड पे है तब पैडल में हल्की फुल्की वाइब्रेशन भी फील हो रही है, बट अगर मैं चाहूँ मुझे एक डाउन शिफ्ट करना है, इंजन अपने असली जलवे दिखाना चालू कर देता है, वैसे तो आप स्लोप आ गया, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना ऐसी रोड में क्राउन क्लियरेंस का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अभी आगे पूरी लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, काफ़ी टूटा हुआ है। कल हम यहाँ पर आए थे एवरेज टेस्ट करने के लिए और आज हमारा ये दूसरा दिन है, तो आगे हमने देखा था एक पूरा का पूरा पहाड़ गिरा हुआ है, और आज संडे है, आप देख पाएंगे कि रोड में इतनी भीड़ नहीं है, यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, आगे गांव है थोड़े बहुत। स्ट्रेस फ्री चल रही है यार ये गाड़ी, नो डाउट, ना टर्बोलैक का पंगा। अब देखिए ये आगे पूरा पहाड़ नीचे गिरा हुआ है देखिए, और यहाँ पर रोड बिल्कुल ख़राब है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूँगा, इसकी राइड क्वालिटी का भी पता चल जाएगा। और हम 4 लोग हैं और हमारा सामान है पूरा बूट पे, और सस्पेंशन की यार तारीफ करनी पड़ेगी, ग्राउंड क्लियरेंस की तारीफ करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कैमरे में लग नहीं रहा होगा कि ये स्टीप चढ़ाई है, लेकिन अब देखिए मुझे फर्स्ट गियर लगाना पड़ गया। इस रूट में ना एडवेंचर पूरा का पूरा मिल जाता है, आप कोई सी भी गाड़ी लेकर आओ। देखो मुझे तो कोई दिक्कत परेशानी फील नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे के लोगों को बॉडी रोल फील हो रहा होगा अच्छा खासा, बट ऐसा नहीं है कि कॉर्नरिंग करने में डर लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट है तो उस वजह से गाड़ी में मूवमेंट रहता है, लेकिन स्टेबल है गाड़ी, स्टीयरिंग काफ़ी जो है कनेक्टेड फील कराता है। देखो सारी चीज़ें बैलेंस है इस गाड़ी में, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आपको किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं होगी। अब देखिए हेयर पिन बैंड है, अब जैसा ये स्टीप चढ़ाई में परफॉर्म कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंजन काफ़ी रिलायबल है, अच्छी खासी पावर निकालता है। आप लोगों ने होंडा सिटी तो चलाई होगी, ये सेम इंजन है। अब देखिए कितनी स्टीप चढ़ाई है, ये आपको कैमरे में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि धोखा देता है कैमरा। हम सोचते हैं कि यार ये चढ़ाई दिखेगी, बाद में जब हम वो एडिटिंग करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कुछ है ही नहीं। इंजन के बारे में बात कर रहा था, ये जो है हिल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, क्योंकि जैसे कि अभी मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, अगर मैंने ये सेम मोमेंटम बनाया रखा, टर्न्स में भी ये मोमेंटम मैंने बनाए रखा ना, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है गियर डाउन शिफ्ट करने की। बट बात यह है कि इतने खतरनाक टर्न आते हैं, गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में हम हायर गियर पे स्लो स्पीड में चला सकते हैं, कहने का मतलब ये है गाड़ी में मूवमेंट है, बोनट ऐसे ऐसे कूदता दिखाई देता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बात करें तो जैसे कि आप किसी एक फुल साइज एसयूवी में होंगे, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गई या फिर सफारी हो गई, आप बोनट को देखिए। मैं आपको बता रहा था ना, ये रास्ता बड़ा एडवेंचरस है, इधर भी लैंडस्लाइड हुई है, और
कंफर्ट बहुत अच्छा है, जो ये शार्प जो भी गड्ढे हैं ना, ये काफी अच्छे तरीके से टैकल कर रही है। और देखो सिटी जो गाड़ी है ना होंडा सिटी, इसकी जस्ट अपोजिट है। मुझे लग नहीं रहा था कि होंडा अपनी जो एसयूवी में इतने अच्छे एसयूवी वाले करेक्टर दे पाएगा, जो कि उसने किया है काम एक्चुअली। अब मुझे पावर चाहिए, लगाया सेकंड, अब यही है। यहाँ पर देखिए नीचे जगह नहीं है बिल्कुल भी, बोनट से काफी हेल्प मिलती है। पावर चाहिए तो पावर भी मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये इंजन इस कीमत में प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के लिए, लेकिन हाइब्रिड और होता ना तो उसमें और अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिलती, प्लस फ्यूल इकोनॉमी। अब इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है ना, इसका जो कंपटीशन है आपकी ग्रैंड विटारा, उससे कम है। ब्रेकिंग वगैरह सब अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है। क्लच इसका थोड़ा सा टाइट हो गया है, क्योंकि ये मीडिया फ्लीट की गाड़ी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है, किसी भी चीज़ में कोई कमी मेरे को गाड़ी को चलाते वक्त मिल नहीं रही है। इस गाड़ी को होंडा ने ऐसे प्लेस किया हुआ है ना, आपको एक रीजनेबल कॉस्ट में जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखिए, एसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत हमें फील नहीं हुई। बाकी क्रिस्प आपकी एमआईडी और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, चाहे आप रात में देखिए, दिन में कितनी भी धूप हो, इसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर दिखती है, कोई भी दिक्कत वाली बात। और भी फीचर इसमें होते तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती, लेकिन होंडा ने प्रूव तो कर दिया कि गाड़ी काफी अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे इसमें अपग्रेड लाते रहने चाहिए। थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ेगा फीचर के साथ तो लोग दे सकते हैं। गाड़ी अच्छी है सबको पता है, लेकिन क्रेटा के कंपैरिजन में, सेल्टोस के कंपैरिजन में फीचर इसमें कम है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स जो कि आजकल काफ़ी उपयोगी हैं। इस टाइप के फीचर्स देंगी और होंडा पैसे भी मांगेगी ना तो देंगे लोग। एडास इसमें मिलता है, अच्छी तरीके से काम करता है। जिन सिचुएशंस में हमने इसको चलाया उसमें तो इसने अच्छा काम करा। रही बात फॉग में कैसा काम करेगा, क्योंकि ये कैमरा बेस्ड है, बाकी हिल्स में भी इसने एक दो बार इमरजेंसी ब्रेकिंग ली। अभी यहाँ पर हम गांव के बीच में से होकर निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चढ़ाई नहीं है, मैं फोर्थ में चला रहा हूँ इसको आराम से। और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है। कभी कभार क्या होता है, इंजन में लोड बढ़ जाता है तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला जो ग्राफ है बिल्कुल 2-3 की एवरेज दिखाने लग जाता है, ऐसा नहीं है, ये 10-11 के आसपास है। तो इंजन के मामले से आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी, ना ड्राइवेबिलिटी में ना रिलायबिलिटी में। इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अच्छी बात ये है कि इतनी ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का होता, अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती, कॉम्प्रोमाइज़ होता है हैंडलिंग में, स्टेबिलिटी में, बॉडी रोल में, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस ट्रिप में ना हमारा माइलेज पे भी फोकस था कि टैंक टू टैंक गाड़ी निकालती कैसी है, हाईवे पे अलग और पहाड़ों पे अलग। नोएडा से निकलने के बाद गजरौला में हमने इसको पूरा टैंक फुल कराया था, ब्रिम तक करवाया था। उसके बाद 173 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चलाई और काठगोदाम में दोबारा से ब्रिम तक फ्यूल भरवाया। फिर वहां हमारा हाईवे का एवरेज निकल कर आया। तो अब इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इधर आइए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी चली है 173 किलोमीटर के आसपास, एमआईडी में दिखा रही है 16.8, 173 डिवाइडेड बाय 11.03 तो आया 15.68। देखो उतना अच्छा भी नहीं है एवरेज और उतना बुरा भी नहीं है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसमें 10% के आसपास सिटी थी, उसके अलावा सारा का सारा हाईवे था। जब हमने हाईवे पे गाड़ी चलाई थी ना, इसको काफी डिसेंट तरीके से चलाया था, 90-95 के आसपास हमने इसकी स्पीड रखी हुई थी, प्यार से चल रहे थे हम लोग सिक्स्थ गियर पे। अभी मैंने इसको रीसेट कर दिया है, आप किलोमीटर्स देख सकते हैं। हम इसका माइलेज टेस्ट करने के लिए पहाड़ों की तरफ चले गए, लगभग हमने 82 किलोमीटर के आसपास इसको चलाया। फिर वापस काठगोदाम में आके हमने इसका टैंक फुल कराया, वो भी ब्रिम तक। तो ये गाड़ी चली थी 82.4 किलोमीटर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं MID में 9.7 किलोमीटर पर लीटर शो कर रहा है ये, और इसमें फ्यूल आया था
8.93 लीटर। तो इसने जो एवरेज दिया है 9.22 का दिया है हिल्स में। तो इसका ये हिल्स का एवरेज आपको कैसे लगा ये मेरे को बताना कमेंट में जरूर। दो चार चीजें हैं जिसमें होंडा ने काम करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। पहली चीज, साउंड क्वालिटी इस म्यूजिक सिस्टम की अच्छी करनी होगी। मैं सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मजा नहीं आता है। दूसरी चीज, हम सब लोग इस गाड़ी में बैठ के ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन जैसी ये सीटें दिखती है ना, उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मेरी यहाँ पर देखिए अंडर थाई सपोर्ट मुझे उतना कुछ खास नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी सी सीटों को और कंफर्टेबल बनाना होगा। और ये देखिए, ये ड्राइवर की जो सीट है ना, ये कुछ ज्यादा पीछे नहीं जाती है। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था ना, चढ़ रहा था और उतर रहा था, तो दिक्कत होती है, स्टीयरिंग लगता है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, इसका जो रेंज है हमेशा गलत बताता है। हो सकता है इसी गाड़ी में हो, अभी 3 बार से यहाँ पर बचे हुए, तो 84 किलोमीटर बता रहा है। और ये जब फुल होती है बिल्कुल ब्रिम तक, तभी 300-350 किलोमीटर के आसपास बताता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब उन बायर्स की बात करते हैं जो इस सेगमेंट में पावर चाहते हैं, तो उनको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, उनको निराशा मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अगर आप किया सेल्टोस में जाते हैं तो 160 पीएस की पावर निकालने वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ये भी परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन उस लेवल की नहीं दे पाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत मिसिंग है, इंजन ऑप्शन और होने चाहिए थे। हाइब्रिड होता तो वो भी चल जाता, होंडा सिटी में अंडर 10 सेकंड में 0-100 वो कर लेता है, तो अब देना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसमें हाइब्रिड इंजन आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। कंक्लूजन की अगर बात करें तो पहली वाली वीडियो में मैंने आपको काफी सारे रीजंस बताए थे इस गाड़ी को लेने के लिए, जैसे कि रिलायबिलिटी, और होंडा की गाड़ी है तो सेफ भी होगी और अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते, और अब तो प्राइसिंग आई है तो सेंस भी बनता है लेने का। अभी के टाइम पे क्या फील हो रहा है कि यार इसको रिजेक्ट करने के कोई खास रीजंस है नहीं। ये अच्छा खासा पैकेज है, पावर का, सेफ्टी का, डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी भी ये निकाल कर दे देता है। ऐसे टेरेन पे भी अच्छा एवरेज निकाला है इसने 9.2 किलोमीटर पर लीटर का। और यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए अगले 10 से 15 सालों के लिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इन खराब रास्तों में जैसा इसने बिहेव करा, चाहे इसके सस्पेंशन हो या फिर कंफर्ट ओवरऑल में बात करूं, वो काफ़ी अच्छा था, काबिले तारीफ था। होंडा ने काम किया है ग्राउंड लेवल पे, एक एसयूवी के तौर पे इसमें जो है बिहेवियर इसका करेक्टर दिया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगर आप देख रहे हैं इस सेगमेंट में, तो ये सबसे बेस्ट है, ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।